सिकराय से इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नामनेर गांव के युवक की मौत का मामला, सिकराय अस्पताल में कल से रखा है युवक का शव। एडिशनल एसपी लालचंद कायल पहुंचे धरना स्थल पर, एसडीएम तहसीलदार भी इस समय मौके पर मौजूद है। तो सिकराय से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक की मौत का मामला है। फिलहाल एसडीएम मौके पर मौजूद है, तहसीलदार मौके पर मौजूद है, युवक का शव इस समय अस्पताल में रखा हुआ है। तो नामनेर गांव के युवक की मौत का मामला, जहां पर सिकराय अस्पताल में कल से युवक का शव रखा हुआ है। एडिशनल एसपी लालचंद कायल धरना स्थल पहुंचे हैं, एसडीएम तहसीलदार तमाम बड़े अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद है। तो इस समय की बड़ी खबर जो कि सिकराय से आ रही है, नामनेर गांव के युवक की मौत का मामला है। सिकराय अस्पताल में कल से युवक का शव रखा हुआ है। एडिशनल एसपी लालचंद कायल इस समय धरना स्थल पहुंचे हुए हैं, एसडीएम तहसीलदार भी मौके पर मौजूद है। तो अब इस खबर पर बड़ी अपडेट आपको बताते हैं कि धरना समाप्त हो चुका है। एसडीएम तहसीलदार तमाम बड़े अधिकारी इस पे मौके पर मौजूद थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र मीणा। पुष्पेंद्र, सिकराय में जहां नामनेर गांव में एक युवक की मौत का मामला था और लोग धरने पर भी बैठे हुए थे, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? मैं आपको बता दूं कि कल से धरने पर बैठे हुए हैं लोग सबको लेकर, और आज सुबह से राज्यसभा सांसद डॉक्टर छोड़ीलाल मीणा को मौके पर धरने में शामिल करने के लिए बुलाने की मांग कर रहे थे। अब डॉक्टर छोड़ीलाल मीणा मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार को, मृतक के परिवार को सांत्वना दी है, ढांढस बंधाया है और बैठकर प्रशासन से भी वार्ता की है, और प्रशासन से वार्ता करने के बाद में धरना समाप्त किया है। यह कल से कई प्रकार की मांगे कर रहे थे, जिसमें मृतक परिवार के मांगों को लेकर वार्ता की है और सफल रही है वार्ता, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर छोड़ीलाल मीणा की ओर से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और जन सहयोग से 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई है। वहीं मृतक परिवार को संविदा पर एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने की, प्रधानमंत्री आवास योजना, पालनहार योजना सहित अनेक योजनाओं का लाभ देने की घोषणा भी राज्यसभा सांसद के द्वारा की गई है, जिसके बाद में धरना समाप्त कर दिया गया है। वहीं प्रशासन की बात करें, प्रशासन भी यहाँ सुबह से सतर्क था, 3 थानों की मौजूदगी थी पुलिस की, 3 थानेदार CO सब यहाँ अधिकारी, आला अधिकारी मौजूद रहे, और अब धरना समाप्त कर दिया है और पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।